संसार के सभी लोग महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तरसते रहते हैं, मगर वो अपनी कृपा बहुत कम लोगों पर करती हैं। ऐसे थोड़े से भाग्यशाली लोगों में से एक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी। रीता, हार ले आओ। मैडम लक्ष्मी देवी जिंदाबाद, नई प्रेसिडेंट जिंदाबाद। आप लोग बैठिए बहनों। कि नई प्रेसिडेंट दो शब्द कहेंगी। मेरी प्यारी बहनों, मैं कुछ कहने में नहीं कुछ करने में विश्वास करती। मोती। यस मैडम। आप लोगों ने मुझे प्रेसिडेंट चुना, उसके धन्यवाद के रूप में ये 10,000 का चेक मैं लेडीज क्लब को देती। थैंक यू। अरे मेरी गृहस्थी, बेटी अपने आप को परिस्तान की परी समझती है, पत्नी हिंदुस्तान का लीडर बनने का सपना देख रही है और बेटा जंगलिस्तान का राज प्रमुख बनने की कोशिश कर रहा है। अरे वाह वाह डैडी, क्या तू बंदी किया, परिस्तान हिंदुस्तान जंगलिस्तान जाओ। बदतमीज खामोश। डैडी अगर ये खामोश इसी जोश के साथ आप मम्मी से कहते थे तो इस घर का हुलिया बदल जाता। आप तो बस हम पर ही रोब जमाते रहते हैं और मम्मी के सामने छोड़िए ना डैडी, मैंने गलत कहा। बोलिए, मैंने गलत कहा? नहीं बेटा, तूने ठीक ही कहा है, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ, ये धन दौलत जायदाद सब कुछ तेरी मम्मी का है, मैं तो खरीदा हुआ पति हूँ। इसीलिए तो आपको मम्मी हमेशा डराती रहती हैं? हमेशा नहीं, कभी कभी वो तकरार भी करती है, प्यार भी करती है, अधिकार भी जमाती है, आधार भी चाहती है और सारे घर को अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है। ये तो उस बेचारी की आदत है रे। डैडी मम्मी को सुधारने का बस एक ही तरीका है। वो क्या? बेटा बेटी और बाप को मिलकर मम्मी का घेराव करना चाहिए। अब हम मम्मी की हिटलाशाही नहीं चलने देंगे। चलने देंगे, मम्मी की आज्ञा का पालन करेंगे। मम्मी महान है, इस घर की आन है, हिंदुस्तान की शान है, वो देखिए। अब समझा तूने भी पार्टी लीडर को तेरे पैतरा को बदल दिया। क्या बात है बेटे, क्या बहस हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, मैं डैडी को समझा रहा था कि मम्मी महान है, गुणों की खान है। लेकिन इनकी नजर में मेरी कदर कहाँ? क्यों क्यों? आज तुम वहाँ देखते कितनी कामयाब हुई क्लब की मीटिंग, चारों तरफ वाह 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 वाह। करेक्ट करेक्ट, वाह वाह का इजहार तो ये लंबा हार है मम्मी। हार तो बहुत ही लंबा है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट तो नहीं बन गई। हाँ। अरे सच, मैंने तो यूं ही कह दिया था कि ये क्या कर रही है। देखा कितने प्यार से हार पहना रही थी और कैसे नाक सुकड़ रहे हैं। नहीं नहीं, डैडी को फूलों की खुशबू अच्छी नहीं लगती मम्मी। ये बात नहीं बेटे, इन्हें मेरी शोहरत अच्छी नहीं लगती। कैसी बातें करती हो लक्ष्मी, शोहरत तुम्हें मिली, हाथ तो मुझे पहना रही। मेरी शोहरत तुम्हारी शोहरत नहीं है क्या? हाँ ये तो है। वहाँ बहुत से लोग आए होंगे। हाँ क्यों मोती जी? लोग इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि मैं प्रेसिडेंट का पर्सनल सेक्रेटरी अंदर नहीं जा सकता। अच्छी बात है, बाहर ही खड़े खड़े भाषण सुनता रहा और फिर भाषण दे तालियां दे तालियां। सुनाई तो दे रहा हमें। चुप ना होना। सॉरी, ढोरों की तरह जुगाली करते तुम्हारी आवाज भी ऐसी हो गई है। हाँ तो लक्ष्मी, तालियों के बदले तुम्हें चंदा तो काफी देना पड़ा होगा। तुम बोले तो कितना? 10,000। बिल्कुल ठीक सच, लेकिन आज ये तुमने सही अंदाजा कैसे लगाया? तो मैंने इस हार की लंबाई देखकर मैंने सोचा 1 फुट के अगर 2,000 तो 5 फुट के 10,000 घड़ी। और बारी भी कम नहीं है। क्या हार मिला? मैं फैक्ट्री का मिस्त्री आया है। वो परशुराम जी? हाँ घर ने बोला। जरा लक्ष्मी ये मुझे सस्ता नहीं, इसे तुम ही पहन लो। कितनी अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। नमस्ते नमस्ते मिस्त्री जी, मिठाई विठाई लेकर सपत्नीक? क्या बात है? जी सर जी, लड़की की शादी का कार्ड लाया। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। बैठो जी, बैठो बैठो। मालिक के सामने नौकर कैसे बैठ सकता है? कैसी बात कर रहे हो, मालिक और नौकर कारखाने में, यहाँ तो मेरे मेहमान हो। बैठो बैठो। आओ।
फूट गई सब्जी। देखा ए जी, सुनो तो। क्या हुआ लक्ष्मी? मिस्त्री कोई गवर्नर नहीं, हमारा नौकर है, उसे सोफे पे बिठा दिया। तो कहाँ बिठा था लक्ष्मी? ड्राइंग रूम मेहमानों के लिए और सोफा इंसानों के बैठने। ये कोई सोफे पे बैठने वाले इंसान है? सोफे पे बैठने वाले इंसानों को मम्मी की नजरों से देखा कीजिए आपने। बिल्कुल ठीक, सब बराबर नहीं होते। टोपी टोपी की जगह रखी जाती है और जूता जूते। ऐसा बोलो, शादी का न्योता देने आए बेचारे। ये देखो जी, नहीं न्योते के बहाने भीख मांगने आए। हाँ, वो मालिक के नाते हमें तो कुछ देना ही चाहिए। यूं कहो ना, क्या देना चाहते हो? 1000-2000 का 500 बहुत होंगे। अरे 500 देके क्या फायदा होगा? फायदा क्या? मम्मी का नाम अखबारों में छपेगा डैडी? मैं सब देख रही हूँ, तुझे भी ठीक कर दी। ये लो 50 रुपए और दफा करो उन्हें। शादी के लिए? हे भगवान, आ गई सब। अब क्या करूं मैं? कितनी बड़ी बड़ी औरतें आ रही हैं और ड्राइंग रूम में ये भुक्कड़ बैठे हुए हैं। नमस्ते लक्ष्मी देवी। माफ कीजिए, आपको तकलीफ दी। जी ऐसा नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, समय मिस्त्री जी, तुमने तो सुना ही होगा मालकिन ने कितनी खुशी से तुम्हें ये 50 रुपए दिए। मैं सब समझता हूँ सर जी, फिक्र करने की कोई बात नहीं। चलो ठहरो, और मेरी तरफ से ये 501 रुपए ले जाओ। 501 रुपए? ऐसा भाषण तो हमने कभी नहीं सुना। बैठिए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना। अरे तुम ही लोग बातें करो, मैं क्या समझूंगा। अगर आप पार्लियामेंट में पहुंच जाए तो वहाँ की दरों दीवार हिला दे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मोती। इसीलिए अगले चुनाव में आपको जिताने के लिए हम अभी से जुड़ जाएंगी। अब मांगा चंदा? हमें अपने क्लब के लिए एक दूसरी बिल्डिंग की बड़ी जरूरत है। हमने कुछ चंदा इकट्ठा तो किया है, लेकिन वो तो सिर्फ लोहे और लकड़ी के लिए होगा। लेकिन सीमेंट ईंट और पत्थर के लिए रुपए चाहिए। कितना रुपया चाहिए? कम से कम 10,000। बस 10,000? वो मुझसे ले जाइए। थैंक यू। देखा डैडी, मिस्त्री की 50 रुपए में छुट्टी कर दी और ये फूल जड़ियां 10,000 रुपए लेके चली गई। तोता परी कहिए, तोता सुन लेगी। अब सफाई पेश होगी 10,000 की। उधर क्या देख रहे हो? हाँ, बोलो बोलो। इधर देखो ना। क्या हुआ? देखिए मेरी होशियारी, इसे कहते हैं रुपए का सही इस्तेमाल। कितने रुपए दी? 10,000। 10,000? हाँ, क्या कर रहे हो? शांति अभी तक तैयार नहीं, कॉलेज जाना। बेटी शांति। आए डैडी। डैडी। अरे जल्दी चल बेटी, तुझे कॉलेज छोड़ दूँ, मुझे फैक्ट्री को देर हो रही है। शांति, तू कॉलेज जा रही है खूबसूरती की नुमाइश में? ठीक ही तो कहता है, आप इतनी देर मेकअप करने में क्यों लगाती है? क्यों टोकते हो मेरी बेटी को? मेकअप करके और अच्छे कपड़े पहन के ही कॉलेज जा रही है। मम्मी मम्मी, इतना वक्त मैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं लगाती, बल्कि सुंदरता को घटाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी देखो ना, कॉलेज के लड़के मुझे घूर घूर के देखते हैं। अच्छा तो मैं तेरे मुंह पर कोहता पोत देता हूँ, फिर कभी नहीं देखेगा। आप भी देखेंगे। देर हो जाएगी।